नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे वीर साधना की बारे में। एक ऐसे वीर की साधना जो काफी गुप्त है। यह साधना गोरखनाथ गुरु परंपरा में स्थापित है और उसमें भी केवल विशेष गुरुओं को ही इस विद्या के बारे में मालूम है। यह वीर की साधना है जो कि काला कलवा 64 वीर साधना के नाम से जानी जाती है। यह साधना एक शक्तिशाली वीर को उत्पन्न करती है जिसमें 64 वीरों की शक्ति मानी जाती है। यह एक अत्यंत शक्तिशाली वीर माना जाता है। इस वीर की सामर्थ्य बहुत ही अधिक है और लगभग सभी प्रकार के कर्मों को करने की क्षमता रखता है, विशेष रूप से मारण कर्म में और अन्य जिन कर्मों के माध्यम से शक्ति का प्रदर्शन किया जा सकता है उनमें यह विशेष रूप से लाभप्रद माना जाता है। इस साधना के लिए आपको केवल और केवल श्मशान भूमि तथा अर्धरात्रि की आवश्यकता पड़ती है। इसके लिए तो दिशा निर्धारित की जाती है, वह दक्षिण दिशा मानी जाती है। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि इसके लिए आपको क्या सामग्री लगती है। सबसे पहले आपके पास लाल वस्त्र होने चाहिए। लाल फूल, गुड़, चावल की खीर, 5 सुप्रिया, 5 पान के पत्ते, 5 लौंग और सिंदूर। सिंदूर घी से अभिमंत्रित घेरा बनाकर पहले साधना स्थल को सुरक्षित कर लेना आवश्यक होता है। इसके बिना आपको किसी भी प्रकार की परेशानी झेलनी पड़ सकती है। यह जो घेरा आप बनाएंगे, यह सिंदूर और घी से अभिमंत्रित करके बनाया जाता है। फिर उसमें आसन लगा करके दक्षिण की दिशा की ओर मुंह करके बैठा जाता है। सामने कोई जलती चिता स्थापित होनी चाहिए। 108 मंत्रों से पूजा करके फिर उसमें खीर को चढ़ाना चाहिए। इसके बाद पान फूल चढ़ाकर सिंदूर से पान के पत्ते को अभिमंत्रित करना चाहिए। इसके बाद मंत्र जाप करते हुए ध्यान को लगाना चाहिए। एक दिन में मंत्रों से शुरू करते हुए प्रतिदिन 108 की संख्या बढ़ानी चाहिए और यह प्रक्रिया 21 रात्रि तक करनी चाहिए। याद रखें, इसमें आपको साधना स्थल को नहीं बदलना है। वीर के प्रकट होने पर उसे 3 वचन लेने चाहिए। सावधानियों की विशेष तरह से ध्यान रखनी चाहिए। याद रखें, इस साधना को करने के लिए आपको 21 दिन की रात्रियां लगती हैं, जिसके लिए आपको नई नई चिता ढूंढनी पड़ती है। एक चिता में जब तक आग ठंडी नहीं होती तब तक जाप करके उसको ढूंढा जाता है। यहाँ पर बात याद रखने वाली यह है कि मंत्र जाप के साथ ध्यान आपका लगा रहना चाहिए और चिता की आग ठंडी होने पर थोड़ी राख और थोड़ा कोयला लेकर रखते जाना चाहिए।